हमारे संस्था का पूरा नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो हमारा इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है नैतिक मूल्यों पर ज्यादा ध्यान देना। अर्थात हमारे अंदर आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल दुनिया में हम क्या देख रहे हैं, जितना इंसान पढ़ाई के क्षेत्र में आगे जा रहा उतना नैतिकता का पतन होते जा रहा है। तो उस नैतिकता को बचाए, क्योंकि नैतिकता या नैतिक मूल्य हमारे मूल्य माना ही मूल्यवान वस्तु। तो यह गुण यह विशेषताएं हमारे जीवन के लिए बहुत ही बहुमूल्य है। लेकिन आज हम प्रैक्टिकल में क्या देख रहे हैं, इन मूल्यवान वस्तु को हमारे अंदर जो दिव्य गुण है, जो अच्छा विचार है, उसको हम यह अच्छा गुण है उसको हम कितना जल्दी से बेच देते हैं, उसको कहेंगे कि बेच देते हैं। अर्थात थोड़ा भी किसी ने कुछ लोग दिया प्रलोभ नहीं दिया, थोड़ा सा लालच के कारण अपने अंदर का ईमानदारी बेचकर उसके बदले में बेईमानी ले लेते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही नुकसान कारक है। जैसे एक छोटा बच्चा है, एग्जाम्पल बताते हैं, एक छोटा बच्चा है, अगर वह चाकू पकड़ ले, उसके माँ बाप को चिंता होती है ना, और वो उससे छीन भी नहीं सकते, मांगते वो बच्चा देता नहीं है, उसके लिए तो खिलौना है। लेकिन माँ बाप को लगता है कि वो बच्चा कहीं चाकू इधर उधर न चला ले, जिससे उसको नुकसान हो जाएगा। तो वो सहज रीति लेने के लिए उसके लिए हम क्या करते, कुछ एक नया वस्तु देते हैं, क्योंकि बच्चों को आप देखते ना, कुछ नया वस्तु देते तो पुराना वस्तु वो छोड़ देता है। तो इजीली हम उस बच्चे से चाकू ले लिए ना, अगर हम छीनते तो वो देता नहीं, इधर उधर चला लेता तो बच्चे को नुकसान हो जाता। ठीक वैसे ही ये हमारे जीवन में बुराइयां, जिसको हम समझते हैं कि बुरा है, और बुरा हम समझते हैं कि जिससे हमको दुख मिलता है, जैसे हम कोई व्यर्थ बात सोचते हैं जो हमारे जीवन के लिए जरूरी नहीं है, फालतू बात सोचते हैं, क्या वो फालतू बात हमको कभी भी सुकून देता है? यह तो हर एक को प्रैक्टिकल अनुभव होगा ना, फालतू बात या व्यर्थ बात या चिंता वाली बात कभी भी सुकून हमको नहीं देती, मतलब वो हमारे चीज हमारे लिए अच्छा चीज नहीं है। तो उन चीजों को हम छोड़ भी नहीं रहे, क्योंकि हमारे लिए क्या है, एक खिलौना के समान बन गया है। हम चाहते हैं कि बिना क्रोध का बिना बुराई का तो इस दुनिया में चलना ही मुश्किल हो गया है। लेकिन परमात्मा वो हमारे माता पिता है, भगवान के मंदिर में जाके तो क्या करे, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, हर संबंध हम उनसे निभाकर आते हैं। एक गायन में निभाकर तो आते हैं, गायन गाते हैं तो जैसे कि फीलिंग भी आती है कि वो मेरा माता भी है, पिता भी है, भाई भी है, बंधु भी है, सखा भी है। तो जब हम उनके साथ संबंध निभाते हैं तो जरूर हमारे केयर भी तो करेंगे। आज आप देखते कि आज परिवार के बीच में भी है, संबंध के कारण भी एक दूसरे का केयर भी तो करते हैं, भगवान भी हमारी केयर करता है, और उस केयर करने के चक्कर में हमारे वो जो बुराई है उसे निकालते भी रहते हैं। तो परमात्मा हमको उस व्यर्थ के बदले एक समर्थ सोच देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सकारात्मक सोच। जब अच्छी बातें सोचते हैं तो बुराई के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है, और जब बुराई के लिए टाइम नहीं है, टाइम जिस चीज को हम वैल्यू नहीं देते हैं वो चीज हमारे जीवन में नहीं आती है। तो उसके लिए फिर दुनिया वालों का क्या कहना होता है कि सौ बिल्ली खाकर हज को चला चुका। लेकिन दुनिया वालों का ये मेंटेलिटी हो चुका है कि बहुत बुरा कर ले तो अच्छा करना ही नहीं है कभी भी, और अच्छा किया तो वो टोंड करते हैं। लेकिन परमात्मा हमें यह संदेश देते हैं, या परमात्मा हमें क्या कहते हैं कि अगर आप किसी भी रास्ते जा रहे होते हैं और 10 किलोमीटर भले आप 10 किलोमीटर आगे चले गए रॉन्ग रूट पर, तो भी आप आगे बढ़ेंगे जब पता चला कि रॉन्ग रूट है, किसी ने बता दिया ये तो रॉन्ग रूट है, तो आप आगे बढ़ेंगे या बैक होंगे? जरूर बैक होंगे, ये नेचुरल है ना कि जहां पता चला वहीं से हम बैक हो जाते। ठीक वैसे अभी हमारे संस्कारों में हमको पता ही नहीं था कि क्या हमारा संस्कार अच्छा है क्या बुरा है, तो जहां से हमको पता चला वहीं से हम बैक होते, अर्थात जब जागो तब सवेरा वाला हाल। जब से हमको यह पता चला कि हमारे जीवन में सकारात्मक विचार एक बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाता हमारे जीवन को, दुनिया में भी आप हर एक के परिवार में या हर एक के जीवन में ये चीज देखते हैं कि धर्म बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो धर्म अर्थात एक धारणा,